पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त की अध्यक्षता वाली विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की बैठक सर्किट हाउस में हुई, जिसमें विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं की झड़ी लगी रही। जन प्रतिनिधियों ने खुले में रखे ट्रांसफार्मर और अंडरग्राउंड केबल की समस्या को भी प्रमुखता से रखा। इसके साथ ही मुरादाबाद नगर के शिवपुरी स्थित चित्रगुप्त कॉलोनी में 11,000 किलोवाट के खुले तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए भी विषय रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता विद्युत विभाग, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता के अलावा जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, CDO समिति अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष शैफाली चौहान, मेयर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, MLC गोपाल अंजान समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति, इसके भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुरादाबाद महानगर एवं जनपद की यहाँ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इस जनपद के दो प्रकरण थे समिति के विचाराधीन। एक प्रकरण को सशर्त स्थगित किया गया कि आगामी 1 माह में इस कार्य को पूरा करके और समिति को लिखित में अवगत कराने के बाद प्रकरण समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरे प्रकरण में जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हो चुका है, तो उस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। तीसरा बिंदु जिगर कॉलोनी वाला हो चुका है। तीसरा बिंदु जो एजेंडा था, उसमें कुल 27 बिंदु थे। 27 बिंदुओं में से 26 बिंदु विद्युत उपभोक्ताओं की दैनंदिन परेशानियों से संबंधित थे, अधिकारियों के व्यवहार की दृष्टि से, बिलों की दृष्टि से, मीटर्स की खराबी की दृष्टि से, मीटर्स की तेज़ रफ्तार से आने वाले अधिक पैसे के बिलों के कारण से, ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडेड होने के कारण से जो भी परेशानियां हैं, विद्युत चोरी, लाइन लॉस, जो एंटी करप्शन कहें इसको, विद्युत चोरी निरोधक जो थाने हैं और जो विजिलेंस हैं उसके द्वारा जो छापे मारे जाते हैं और रात्रि के 2-2 बजे 3-3 बजे भी छापे मारे जाते हैं, उसके लिए निर्देश दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्योदय होने तक रात्रि में कोई भी छापा नहीं डाला जाएगा। छापा अगर डाला जाएगा, चाहे विद्युत विभाग का JEE छापा डाले, चाहे SDO छापा डाले, लेकिन संबंधित क्षेत्र के एक्सियन के संज्ञान में डालना और एक्सियन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छापे हों, दूसरा उसमें ये सावधान भी रखा जाए कि जिस परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, महिलाएं हैं, तो वहाँ छापे की टीम में महिला टीम में एक न एक सदस्य महिला होना अनिवार्य है। मतलब टीम में जो छापेमारी जाएगी तो पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।